हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। तो इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल या कहें इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स डिस्कस कर रहे होंगे कि जिनका की वैल्यू आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो ऐसे चार पांच डिटर्मिनेंट्स हैं और आप देखते देखते याद कर लोगे। तो पहला डिटर्मिनेंट है जिसका फर्स्ट रो है 111, सेकेंड रो एक्स वाई जेड, थर्ड रो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो इसको प्रूफ करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था ना कि यहां पे x के जगह आप y पुट करो, x के जगह पे y पुट करो तो क्या आ जाएगा, 1yy स्क्वायर। ये कॉलम 1yy स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कॉलम हो जाएगा हमारे पास 1yy स्क्वायर और ये कॉलम भी 1yy स्क्वायर। तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं x को y पुट करूंगा तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये जीरो कर देगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली हम y के जगह पे z पुट करेंगे तब भी पता चलेगा कि y माइनस जेड इसका एक फैक्टर होगा, और z के जगह पे x पुट करेंगे तब भी पता चलेगा कि ये एक फैक्टर होगा, राइट। तो अगर इस प्रूफ से आप सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि बस आपका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसमें कि चलो ये तो समझ गए कि ये तीनों फैक्टर हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इसके आगे और कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि ये तीनों फैक्टर है, यानी ये के इंटू कुछ भी, ये के वन ही क्यों मैं मानूं, राइट। और आपका बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसको दूसरे तरीके से भी अपन प्रूफ कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, तो क्या करना है, यहां पर कॉलम वन को लिखो, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, और फिर आपको लिखना है कॉलम टू को कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। अच्छा, एक आपको इंपॉर्टेंट बात हमेशा, वैसे मैंने बताया है, ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको किसी एक रो, अगर रो पे लगा रहे हो या कॉलम पे, अगर कॉलम पे लगा रहे हो तो एटलीस्ट वन कॉलम मस्ट बी अनटच्ड, एटलीस्ट वन कॉलम मस्ट बी अनटच्ड। जैसे इस केस में देखो, कॉलम वन को हमने बदला, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, कॉलम टू को बदला, कॉलम थ्री से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कॉलम थ्री को हम नहीं बदल रहे हैं। तो हमारा ये वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है। यही हम कुछ लिख देते कॉलम थ्री को कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन प्लस कॉलम टू, या कुछ भी ऐसा लिख रहे होते तो वो इनवैलिड हो जाता। क्यों? क्योंकि जब हम कॉलम वन को बदल रहे हैं तो बाद में कॉलम वन माइनस कॉलम टू वो हो गया, और कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री हो गया। तो इन सब से बचने के लिए, वैसे तो एक तरीका है कि आप एक 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 कर दो, सबसे बेटर है, लेकिन आपको ये एक गोल्डन रूल याद होना चाहिए, ओके? तो चलिए ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये बिल्कुल गोल्डन रूल आप याद रखेंगे, किसी एक कॉलम को तो अनटच्ड रखना ही है, उसको नहीं बदलना है। आप मैक्सिमम एक टाइम पे किसी दो कॉलम या किसी दो रो को बदल रहे होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल गोल्डन थंब रूल याद रखें। तो कॉलम वन माइनस कॉलम टू यानी कि जीरो, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और कॉलम टू को कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री तो जीरो, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और कॉलम थ्री एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब हम टेकआउट करेंगे, इस कॉलम से एक्स माइनस वाई टेकआउट करेंगे और इस कॉलम से वाई माइनस जेड। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और इंटू 0 0 1 1 एक्स प्लस वाई, वन वाई प्लस जेड, जेड जेड स्क्वायर। अब इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई यानी कि जेड माइनस एक्स। तो ये आ गया इसका वैल्यू, चूंकि आ गया जेड माइनस एक्स, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। सो अब ऐसा ही कुछ और स्पेशल डिटर्मिनेंट्स है, उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे 111 एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अच्छा, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जैसे 111 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर है, इसका वैल्यू ये है।
तो मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं, वन 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 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका भी वैल्यू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स ही होगा। ठीक है, हमने एक्चुअली क्या करा है, बस रो को बदल दिया है। ठीक है, रो को कॉलम में बदल दिया है, तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात आपको याद हो गई, क्लास लेक्चर नंबर वन में शायद बताया था हमने आपको। ठीक है, अब ये अपन प्रूफ कर रहे होंगे। इसमें भी देखो, जैसे ये तो पता चलेगा कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इसका फैक्टर होगा, क्योंकि x को y पुट करोगे तो आ जाएगा, y को z पुट करोगे तो भी जीरो आएगा, z को x पुट करोगे तब भी जीरो आएगा। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड भी फैक्टर लाना था, तो प्रूफ करते हैं वही एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो फिर से वही करना है आपको, कॉलम वन को लिखना है, कॉलम वन को लिखना है कॉलम वन माइनस कॉलम टू, और कॉलम टू को लिखना है कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। जीरो एक्स माइनस वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सी टू को हम लिखेंगे सी टू माइनस सी थ्री जीरो, वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू इंटू ये मल्टीप्लाइड है इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये वन जेड जेड क्यूब, ये ऐसे ही रहेगा। फिर देखो एक्स माइनस वाई हम यहाँ से बाहर लेंगे और वाई माइनस जेड यहाँ से बाहर लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जीरो जीरो वन 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 जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और जेड क्यूब। ओके, तो अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके ओपन करते हैं, तो बहुत इजी आ गया। वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई। ओ सॉरी, इसको नहीं करना था यार, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जेड कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जेड प्लस वाई, एक सेकेंड, हम जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों को करते हैं, तो क्या आ जाएगा, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और वाई जेड माइनस एक्स वाई, इसमें वाई कॉमन लेते हैं तो प्लस वाई जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और बाकी हमारे पास कॉमन क्या था, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, आपको प्रूफ करने आना चाहिए, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रूफ काफी डिफिकल्ट लगता है, या फिर वो प्रूफ को इररिलेवेंट मानते हैं। प्रूफ कभी भी इररिलेवेंट नहीं होता है, आप जब प्रूफ करते जाएंगे ना उसको, आपको फिर आपको जब आप प्रूफ करने की हैबिट रखेंगे, सारे प्रूफ सीखने की हैबिट रखेंगे ना, कुछ प्रूफ होते हैं मैं मानता हूँ जो कि इररिलेवेंट होता है, वो मैं या आप जिनसे भी पढ़ रहे होंगे आज तक, वो बता देंगे कि ये प्रूफ इररिलेवेंट है। अगर आपको केवल रिजल्ट याद है और आप उससे काम चला रहे हो ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पून फीडिंग आपको किया जा रहा है। ठीक है, आपको प्रूफ याद होने चाहिए, क्योंकि जी एडवांस में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो जब तक आपको पूरा कोर कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा, जब तक आप किसी भी चीज़ में डीप डाइव नहीं करोगे, तब तक फिर एडवांस के न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आप टैकल कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसीलिए प्रूफ बिल्कुल ध्यान से देखना है और प्रूफ समझना है। मैं तो बोलूँगा कि आप एक बार खुद से भी प्रूफ करना इसको।
अब आ गया पार्ट थ्री, इसको प्रूफ करना है। क्या मैं छोड़ दूं, आप प्रूफ कर लोगे? मैं कर ही देता हूं प्रूफ, फिर से वही सब। C1 को लिखना है C1 माइनस C2 और C2 को लिखना है C2 माइनस C3। जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सी टू को लिखेंगे C2 माइनस C3, जीरो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और यहां आ जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब यानी कि y माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये आ जाएगा 1z2z³। यहां से हम बाहर ले लेंगे x माइनस वाई और यहां से y माइनस जेड, तो ये x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जीरो वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, 1z²z³। ठीक है, अब इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बस निकालो, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और माइनस में वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, और माइनस में आ जाएगा माइनस में वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। देखो कटना स्टार्ट हो गया ना, धीरे धीरे ये सब सब कट जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इतना तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि आप कर लोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं फोर्थ भी यही है, फोर्थ का भी वैल्यू यही आता है, ये याद होना चाहिए, 1x²x³ हो या फिर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, वैल्यू सही मापता है। तो इसमें भी वही, C1 को C1 माइनस C2, C2 को C2 माइनस C3, उसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनेगा, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। ये मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आपको प्रूफ खुद से करना है, ठीक है। ठीक है, कर लोगे ना? ये क्वेश्चन एक्चुअली IIT JEE में आ चुका है, मैंने आज प्रॉब्लम में भी ले रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ये IIT JEE में आ चुका है। आपको दिया हुआ है ABC भी पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। बिल्कुल, अगर ये कॉन्सेप्ट आप कर लोगे फिर आपको, अगर आप ये कॉन्सेप्ट कर लोगे फिर वो IIT JEE वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू लगेगा। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ओपन करो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह मत लगाओ, डायरेक्ट ओपन करो। a इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस c इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो ये आ गया ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और प्लस में ए बी सी और प्लस में ए बी सी और माइनस सी क्यूब। तो बेसिकली ये है, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ठीक है। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, और इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, इसको फर्दर हम अपन फैक्टराइज करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस हाफ कॉमन ले लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, तो वो आ जाएगा फिर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो अगर इसको यहाँ कन्वर्ट कर लोगे तो देखो ये क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है वो सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं, ए बी सी पॉजिटिव है नॉट इक्वल सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगा और चूंकि नॉट इक्वल है तो ये तो जीरो होने से रहा, ठीक है, ये वैल्यू जीरो होने से रहा यानी कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर ये पूरा ग्रेटर देन जीरो और एक माइनस का साइन जो माइनस का ठप्पा आगे लगा हुआ है वो इस पूरे को नेगेटिव बना देगा। ओके सो अब चलते हैं प्रैक्टिस सेशन में। तो इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट इक्वल्स टू जेड एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स वाई जेड। तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके तो आई होप आप पुराने वाले प्रॉपर्टीज वगैरह को भी यूज में लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो एक्चुअली इसको एक्सप्रेस करो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में, एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर 1, ठीक है। अगला डिटर्मिनेंट आ जाएगा x x स्क्वायर x क्यूब y y स्क्वायर y क्यूब z z स्क्वायर z क्यूब, ठीक है। ओके तो करना क्या है, आपको इस रो से x बाहर लेना है, इस रो से y, इस रो से j। तो क्या आ जाएगा, बाहर एक्स वाई जे आ जाएगा और बचेगा क्या, वन एक्स एक्स स्क्वायर वन वाई वाई स्क्वायर वन वाई वाई क्यूब। और इस डिटर्मिनेंट में आप क्या करो, पहले इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो ये वाला यहां आ जाएगा और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। तो पहली बार इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगा, फिर से इंटरचेंज करेंगे कॉलम इंटरचेंज तो फिर से माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू सेम रहेगा, ये भी वन एक्स एक्स स्क्वायर वन वाई वाई स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर, समझ गए। और ये क्या आ जाएगा, ये भी एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर वही आ जाएगा। तो वन प्लस एक्स वाई जेड, ये डिटर्मिनेंट ही अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट आ जाएगा वन एक्स स्क्वायर वन वाई वाई स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या आता है हमारे पास, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। और गिवन है कि इसका वैल्यू जीरो के इक्वल है एंड दे आर नॉट इक्वल, तो यानी कि ये सब तो कोई जीरो हो नहीं रहा होगा, तो जीरो यही हो रहा होगा, यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड प्रॉब्लम। ये तो प्रूफ से ही है डायरेक्ट, ये तो डन है, ये करवाया हुआ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको ये वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करें और उसके बाद खुद से ट्राई करें। ओके तो इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू बताना है एक्स सी वन एक्स सी टू एक्स सी थ्री वाई सी वन वाई सी टू वाई सी थ्री जेड सी वन जेड सी टू जेड सी थ्री। तो इसका वैल्यू आपको बताना है। सिंपल पहले तो लिख ही दो, पहले तो लिख ही दो एक्स सी वन यानी एक्स, एक्स सी टू यानी एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू, एक्स सी थ्री का क्या मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन का सिक्स। फिर ये सिमिलरली इसी तरह से वाई हाफ वाई वाई माइनस वन वन बाई सिक्स वाई वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस टू और जेड इंटू हाफ
जेड इंटू जेड माइनस वन, वन बाई सिक्स इंटू जेड इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट यही हो गया। अब हम क्या कर रहे होंगे, इस रो से x बाहर लेंगे, इस रो से y और इस रो से z, और हम क्या लेंगे, इस कॉलम से हाफ और इस कॉलम से 1 बाई सिक्स। तो टोटल बाहर कितना आ गया हमारे पास, एक्स वाई जेड अपॉन 12। तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 1, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन जेड माइनस वन, एंड एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू, और जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू। ठीक है, ये आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब हम क्या कर रहे होंगे, तो सिंपली कॉलम टू, कॉलम टू को लिख देंगे कॉलम टू प्लस कॉलम वन। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन 12 और इनटू 1 1 1, और एक्स माइनस वन प्लस वन एक्स, वाई माइनस वन प्लस वन वाई, जेड माइनस वन प्लस वन जेड, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू, और जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू। ठीक है, ओके, ये डिटर्मिनेंट आया। और अब देखो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे थ्री डिटर्मिनेंट्स में, इसको अपन एक्सप्रेस कर रहे होंगे थ्री डिटर्मिनेंट्स में। तो क्या क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स हमारे पास, एक 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक आ जाएगा 1 1 1, एक्स वाई जेड, और माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री जेड, एक आ जाएगा 1 1 1, एक्स वाई जेड 2 2 2। अब ये देखो, हम टू कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 आइडेंटिकल हो जाएगा ना, दो कॉलम, तो इसका भी वैल्यू जीरो। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो दो कॉलम आइडेंटिकल, तो इसका भी वैल्यू जीरो। तो ये क्या आ गया, 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर, और पहले से एक्स वाई जेड अपॉन 12 तो था ही। तो अब इसका वैल्यू क्या आ गया, एक्स वाई जेड अपॉन 12 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आई होप आपने खुद से ही सॉल्व कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन ही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बी इज इक्वल टू कॉस टू थीटा माइनस आयोटा साइन टू थीटा, सी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थ्री कॉस थ्री थीटा प्लस आयोटा साइन थ्री थीटा, एंड इफ ए बी सी, ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट जो है हमारा, सर्कुलर डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू जीरो के इक्वल है, और इस सर्कुलर डिटर्मिनेंट का मैंने वैल्यू क्या बता रखा था आपको, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, राइट। ओके, तो मैंने आपको साथ साथ में ये भी बताया था कि इसको आगे आपको कैसे फैक्टराइज करना है। आगे फैक्टराइज करके इसको आप लिखेंगे माइनस हाफ और ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, जीरो के इक्वल। और ए और बी और सी ये तो आइडेंटिकल नहीं है, ये दिख ही रहा है, यानी कि इसका वैल्यू तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो जीरो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस टू थीटा माइनस आयोटा साइन टू थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा प्लस आयोटा साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो करेंगे। और हम जानते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर रहे होते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट से, तो यहाँ पे रियल पार्ट भी जीरो है आरएचएस में, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी जीरो है। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड साइन थीटा माइनस
माइनस माइनस साइन टू थीटा और प्लस में साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके। अब कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा पे लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये क्या आ जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी कि टू थीटा और सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होगा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है और प्लस का ये कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस टू थीटा ले लेंगे हम कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, टू कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां भी हम अप्लाई करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि टू थीटा एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस सी माइनस डी बाई टू कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अब साइन टू थीटा कॉमन ले रहे होंगे तो टू कॉस थीटा माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमें दोनों को सेटिस्फाई कराना है, तो अगर टू कॉस थीटा प्लस वन इस पे देखते हैं, यहां अगर हम देखें तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ आया तो ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन ये जीरो के इक्वल नहीं होगा और कॉस थीटा जब माइनस हाफ है तो साइन टू थीटा भी जीरो नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो यानी कि टू कॉस थीटा प्लस वन ये तो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, ना टू कॉस थीटा माइनस वन जीरो होके ये पर्पस सॉल्व करेगा, यानी कि कॉस टू थीटा जीरो हो रहा हो और साइन टू थीटा जीरो हो रहा हो, तो ये कब हो रहा होगा, क्योंकि कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा ये भी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो यहां से हमें पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यानी कि यही जीरो हो रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया था, नॉट इक्वल्स टू जीरो ना, तो ये क्या जीरो के इक्वल हो सकता है, क्या कभी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो सकता है, तभी ना ये जीरो होगा। हाँ हो सकता है ना, थीटा इज इक्वल टू टू के पाई पे, थीटा इज इक्वल टू टू के पाई पे देखो ए भी जीरो बी भी जीरो सी भी जीरो और तीनों इक्वल भी हैं, तो यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा ए थीटा इक्वल्स टू टू के पाई। तो अब ये क्वेश्चन होमवर्क में, इसका आंसर भी मैंने डाल दिया है वन, और आपको नोट्स वगैरह भी मिल ही जाते हैं हर लेक्चर में। तो चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ एंड वेरी गुड।